ओनली चैलेंज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद ये पुशर एक्स की टीम हो सकती है। आप कह सकते हैं यहाँ पर इंसेन और पुशर एक्स की लाइनअप जरूर से अटैक करती है, एंड इट्स एक्चुअली रियली अ पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग। एंटिटी और टीम, और मेरे ख्याल से फिर से एक और फाइट इनिशिएट होती हुई, तो बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समय लगाएगा फाइट होने में, क्योंकि प्लेयर टीम्स आसपास है बट थोड़ा समय लगाएगा। और जैसे हम बात कर रहे हैं दूसरे खिलाड़ी के ऊपर भी प्रेशर बिल्ट होता नजर आ रहा है यहाँ पर माय भी। आई थिंक यस, नियो के पास कोई बहुत ज्यादा अच्छा वेपन भी मैंने नहीं देखा था। शॉटगन से उन्होंने एक नॉकआउट जरूर से करा था, बट द मेन पार्ट इज कि वो खुद हील करे, जल्दी से जल्दी ज़िगोर्ड को रिवाइवल दे, और बैकअप आ गया, रीइंफोर्समेंट आ चुके हैं यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल घड़ी एनटीटी के लिए नहीं है, मुश्किल घड़ी उनके लिए जो यहाँ पर बराबरी करने का। लेकिन अभी के लिए जिस तरह से मुझे झटके नजर आ रहे टीम टीम स्मोकी के, मुश्किलें बढ़ती और मुझे लग रहा है भी थोड़ा सा मुश्किलें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही टीम स्मोकी के अगेंस्ट। अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक यहाँ पर दोनों बराबरी है। जी हाँ, दोनों ही टीम से मैं देख पा रहा हूँ कि दो दो प्लेयर्स नॉकआउट है, बट ये जो खिलाड़ी है एक्सपेन, ये बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पर है। ब्लाइंड के रेक्सी के पास दोनों ही एसएमजीज हैं, बी माइक्रो ओसीटी ट्यूएफी स्पॉट यहाँ पर कर चुके हैं, क्लियर अच्छा टीपी पे एंगल था, बिल्कुल जी हाँ, दूसरा फिनिश ऑफ भी। ये थोड़ा सा रिस्की मूव भी था क्योंकि शायद उन्होंने 1v2 करके दिखा, एक बार मैं उनकी तरफ ही लेके चलता हूँ। जी हाँ, 1v2 और TSM वर्सेस INGL, अब आएगा मजा, जहाँ पर एक ऐसी टीम है जो इम्प्रोवाइज कर रही है, एंड ये लीजिए इम्प्रोवाइज करते हुए ज़िगोर्ड को डाउन कर दिया। इंस्टेंट रिवाइवल के लिए नियो जा जरूर रहे हैं। INGL के प्लेयर्स ने भी वो कंपाउंड छोड़ दिया है, दे आर ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स द जोन, और इस रोटेशनल क्लैश के बीच में कुछ ओपनिंग्स निकल सकती है कि ना सिर्फ अटैक कर रहे हैं, वो एक कहते ना अंधा रश, तो वो अंधा रश नहीं हो रहा है, अब समझदारी के साथ फाइट्स में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रही है एंटिटी के लिए। अब बिल्कुल, और अभी के लिए बात करते हैं टीम स्मोकी वर्सेस टीम ओबी का, यहाँ पर में फाइट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती हुई। रेस में यहाँ पर करते हैं नॉकआउट, बिल्कुल फिनिश ऑफ भी करेंगे, शायद थोड़ा सा डिले दिखाया उन्हें, अगर पहले से वहां पर वो चले जाते तो बेशक वहां पर बच सकते थे। लेकिन बढ़ते हैं स्मोकी की तरफ, वो चले गए स्लैमिंग करने, एंड इस रूफटॉप में क्या उनको फायदा मिलेगा? जी नहीं, उजी का अटैक, ओ वेक्टर का ही अटैक था, एंड हमें पता है जस्ट लाइक उजी एक वेक्टर भी आपके लिए बहुत एक डेडफुल वेपन साबित हो सकता है। रैद को आज रोकना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होने वाला है। 6 फिनिशेस इनकी टीम के पास ली है, और अभी ये रिवाइवल देते ही एकदम से अटैक करने वाले, बट यहाँ कुछ और हो रहा है। जोनाथन को मैंने नॉक होते हुए देखा, मैंने नियो को यहाँ पर नॉक होते हुए देखा, एस पावर इज ऑलरेडी डाउन, तो डिसएंगेज करते करते भी पीछे से INGL ने वो जो चेज था वो काफी अच्छा कर दिया है। आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, द लास्ट होप फ्रॉम TSM एंटिटी ज़िगोर्ड, विल ही बी एबल टू जस्टिफाई हिज रोल? क्या यहाँ पर रिवाइवल देने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करा पाएंगे ज़िगोर्ड? बहुत मुश्किल लग रहा है, बट आई स्टिल बिलीव कि जिस कैलिबर के, जिस क्षमता के ये खिलाड़ी हैं, बना सकते हैं, ये सिनेरियो को कन्वर्ट कर सकते हैं। लोन शॉट यहां पर किया था, स्पॉट किया था डॉट एचपी पर, आई थिंक जब इनकी एचपी बहुत कम थी तब एक अच्छा नॉक निकाला गया है, बट क्या अपने आप को ये हील कर पाएंगे सेफली? बिकॉज अगर हील नहीं करा तो इनकी एचपी अभी सिर्फ इतनी है कि क्लोज रेंज को पास नहीं कर पाएंगे। ज़िगोर्ड इज अबाउट टू एन एंड, आई थिंक दैट्स माय ऑप्शन नेट। INGL की लाइनअप का मैं कहूंगा यहां पर जो अग्रेशन था, वो चेज करने की जो हंगर थी वो काम आई, अंदर है, उनका स्टेप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये लीजिए आ जाती है ओपनिंग, मिस्टेक यहां पर हो जाते हैं नॉक, आसमान चांदी के सीक्रेट और ट्रैप देखें, दोनों ही साइड से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। एक अकेला खिलाड़ी, क्या खतरनाक ये ट्रैप बनाया गया है। संजीत ना सिर्फ स्नाइपर है, लोग उन्हें स्नाइपर स्नाइपर बोलते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड वर्क फ्रॉम टीम आईडी के स्नैप वाज कि संजीत इज अ पावर कार्ड प्लेयर, क्या कुछ भी करवा सकते हैं। स्टैप्स को आप देखिए तो यहां पर कितनी इजीली अपनी टीम के लिए फिनिश पॉइंट्स निकल लिए, 4 फिनिश पॉइंट्स टीम के पास। टीम जाके स्टैप्स निकाल देंगे, 7 चीज के प्लेयर्स आ रहे थे, 14 फर्स्ट एड्स का यूज करने का मौका था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करूँ टीम INDY, बैक टू बैक दो झटके लगते हुए, शायद बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उन्होंने यहाँ पर हमारी हेक्स की लाइनअप को, और वैक्सी ही करने वाले काम है, एग्जैक्टली सो हैपनिंग आउट देयर, ही इज द वन जो रिवाइवल देने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सी वहां पर अकेले रिटेलिएट कर रहे हैं, आई थिंक ही इज द मैन, ही विल बी हैविंग दैट 1v3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सामने ग्रेनेड पड़ा, पर टीम स्मोकी रैद को रोकना मुश्किल था। एक और पहला
कोशिश की जा रही है वो अभी भी यहाँ पर जा रही है, और बट इनके पास लेवल 3 का हेलमेट है और काम में आएगा। ये स्पॉट कर चुके हैं सभी तार को, जॉर्डन को भी स्पॉट कर चुके हैं। ओके, तो ये था कवर का अच्छा यूज करने का तरीका। आई थिंक डैमेज दिया, अंदर चले गए, फिर वापस से स्पॉट किया, वापस से घर से ही प्रीफायर करते हुए आ रहे थे। अभी तक के लिए प्लान में कुछ चेंज नहीं है, उतरे थे अटैक के लिए खेल रहे थे। ये आया ना कहानी में ट्विस्ट, जोनाथन के ऊपर एक ग्रेनेड किया जाता है जहां पर वो हो जाते हैं नॉकआउट, इंस्टेंट रिवाइवल मिल रहा है। बट ये UP50 की लाइनअप है, ये भी थोड़ा सा परेशान करना चाहेगी। मैं देखना चाहूंगा गेम शो की UP50 और मार्को क्या दोनों एक साथ रश करती है एंटिटी की तरफ, क्योंकि वो चीज होती भी दिख रही है। मुझे जोनाथन को रिवाइवल भी देना है, मुझे आपका फिनिश पॉइंट भी चाहिए, सेज एस पावर। सो लेट्स वेट, लेट्स वॉच कि क्या यहाँ पर एस पावर अब अग्रेशन दिखाएंगे। आई थिंक यस, बिल्कुल सही थॉट है। नॉक निकाला था, जोनाथन को रिवाइवल दिया, जानते हैं पीछे से कारफायर मिल जाएगा, बट दोनों असोल्टर है इस खिलाड़ी के हाथ में और मौली करी है यहाँ पर राणा साहब ने। दोनों ही विंडो से परेशान कर रहे हैं राणा साहब। ये क्या किया आपने, या फिर ये मौली जोनाथन के द्वारा की गई थी? जी हाँ, ये जोनाथन है। थ्रोएबल्स भी ऑन पॉइंट का रोल देखिए खत्म नहीं होता वहां पर उनका, अगर फिनिश हो जाए उनका रोल तब तक रहता है जब तक आखिरी खिलाड़ी वहां पर जीवित रहता है। और संचार की बात करें, काफी अच्छी पहल उनकी तरफ से, क्लच गॉट वहां पर नॉकआउट निकाला, लेकिन पावर है उस दीवार के पीछे, ग्रेनेड है तो सविटार उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो प्री कुक्ड बोल सकते हैं, ग्रेनेड फेंकना पड़ेगा। पावर वर्सेस सविटार, लिया एस पावर ने और दोनों की एसपी आप देखिए डॉट डॉट पर आ चुकी है। ये क्लच गॉड को रिवाइवल देने का टाइम तो अच्छा है, बट वो तब जब जोनाथन पीछे से कवर फायर दे सके। बैंडेज यहां पर लगा रहे हैं, फर्स्ट एंडिंग एस पावर के पास। जोनाथन मीनवाइल पिक दी सेवियर, अलाउ करेंगे क्लच गॉड का रिवाइवल है पीयूष के पास कि उनके जो प्री फायर्स रहेंगे वो सीधा हेड पर कनेक्ट होंगे। बट बनी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ठीक है आपके पास यूएमपी थी, बट वो पूरे एडीएस के अंदर थे और शायद बनी को ये अटैक कर देना चाहिए था, बिकॉज पीयूष एक्चुअली नीड्स हिम। बिल्कुल, एंड मैक्सी वो वेट कर रहे हैं और ये देखिए मेरे ख्याल से यूएमपी 45 है और उनको पता है कि बुलेट्स इतना दूरी से थोड़ा सा बोल सकते हैं नीचे जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिगर डिस्टेंस खास जरूर, लेकिन यहां से अब फाइट नीचे, क्योंकि अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पीयूष बोल रहे भाई अब तो स्टार्ट कर दीजिए एटलीस्ट। या मैन, ही एक्चुअली बहुत ज्यादा लो कर सकते थे प्लेयर्स को। हेलो पंपकिन पंपकिन, हेलो हनी बनी, हेलो व्हाट आर यू डूइंग मैन? यही है अनिश्चितताओं का खेल और इनसेन लेवल डोमिनेशन। आई थिंक नो, बिकॉज़ ये आईडिया अच्छा नहीं था। फॉर्म लाइनअप मैं कहूंगा ये है और ये ग्रेनेड जरूर से कारगर साबित होने वाला है। इनसेन की लाइनअप अपने दो प्लेयर्स ऑलरेडी गवा चुकी है, स्टोर है ये ग्राउंड लेवल पर है, ये बिल्कुल अभी नीचे की तरफ है। ओके, एस पावर गोज डाउन, जोनाथन बीइंग द लास्ट वन स्टैंडिंग आउट देयर। चलेंगे जरूर, लेकिन भाई भी ये फाइट भी काफी क्लोज और अब आदि के पास कोई मौका नहीं है। एंटिटी के पास जहां पर जोनाथन बोल सर्वाइव कर रहे हैं, कौन किस टीम ने उनको परेशान में डाला है वो है टीम 7C, काफी पास में नजर आ रही थी एंड फाइनली इन्वॉल्वमेंट ली, लेकिन ये यहां पर शायद अपनी बोल सकते हैं मायावी बॉडी रिवील करके गलती वहां पर कर दी, शायद फायर दे रहा था, उन्होंने मजबूर करा जो उनको आगे आने के लिए। एक नॉक करना चाह रहे थे जो कि हो चुका है, बट क्या ग्रेनेड स्पैम किया जा सकता है? आई थिंक यस, मयंक का ग्रेनेड क्रूशियल साबित हो सकता है। मैं देख पा रहा हूं दो प्लेयर्स तो यहां पर नॉकआउट हैं, क्या स्नैक्स नॉक हो सकते हैं? उसके बाद सिर्फ एक्स ही बच जाएंगे, गया ग्रेनेड, ओपनिंग निकल सकती है। आई थिंक नहीं, यहां पर कोई भी ग्रेनेड ऑन पॉइंट नहीं जा रहा। रियू ने आई थिंक एक्साइटमेंट में जो ग्रेनेड अंदर स्पैम कर रहा था वो आई थिंक टकरा के वापस ही बाहर आ चुका है। टाइम लगेगा यहां पर, इतने में सबको रिवाइवल मिल रहा है। आपके हिसाब से गेम जो के नीचे खड़े होकर थ्रोबल्स करना एक अच्छी थॉट? आई थिंक यस, रियू ने एक और नॉक निकाल दिया। ये काफी अच्छी कोशिश थी, स्नैक्स भी यहाँ पर थे, लेकिन वैक्सी यहाँ पर इस फाइट के हीरो साबित होते नजर आए। और ये स्लैमिंग देखिए एक बार जरूर देखना चाहूंगा, टीम आईडी स्नैक्स कोशिश कहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर फिनिश ऑफ होते नजर आए। एक 1 HP सर्वाइव कर रहे थे ओवर वैक्सी को, फिर से जीत का बोल सकते हैं यहाँ पर एक हीरो साबित होना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से काफी देर हो चुकी है। क्या लगता है माय व्यू? और मेरे ख्याल से काफी हद तक डैमेज देने को मिली है और अब रणदीप को इसका फायदा उठा लेना चाहिए, स्लैम इन कर दीजिए एंड सामने आप फिनिश ऑफ कर सकते हैं टीम ओबे को। आप एक
टेबल टर्न हो सकती है। आप इनसे यहाँ पर जरूर से निकाल देंगे, एक ही प्लेयर बचेगा, 1v3 करने का, ये बहुत अच्छा होगा। क्या वो गेम चेंजर रहेंगे, एक ग्रेनेड और ये दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पर फिनिश ऑफ हो सकते हैं। उनकी बिल्कुल ऑन बॉडी में लगी, डैमेज मिला और वहां पर मेरे ख्याल से आखिरी खिलाड़ी जो बच रखा है, लेट्स सी क्या वो हील बटन लेगा। लेकिन अभी के लिए पाओ के लोगों के पास एक बढ़िया वेपन है और स्विच भी करने वाले, और देखिए वापस से M249 है, जब उनको पता है M249 है तो जवाब भी M249 से मिलेगा। लेकिन डैनियल, क्या डैनियल रिवाइवल देने के बाद एकदम से उस पोजीशन में आ पाएंगे? रिवाइवल छोड़ दिया, फ्री पास करेंगे, साउंड रेंज यहां पर काफी अच्छा, एक के साथ साथ शिफ्ट करनी पड़ेगी, जलजीत हो चुके हैं नॉकआउट, मेरे ख्याल से स्लैमिन देखने को मिला यहाँ पर टीम इंसेन की तरफ से। फिर से प्रीनेट्स थे जो दलजीत ने किए थे, जिससे ओपनिंग मिली थी, वैसे यहाँ पर काफी रिस्की रिवाइवल दे रहे हैं, बट ये रिवाइवल कुछ ऐसा ही रहेगा कि जैसे ही प्लेयर सामने आता है रिवाइवल छोड़ना पड़ेगा और साथ ही साथ इग्नोर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वैसे यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से कर चुके हैं। बढ़िया एक है, तो दिन का ये बीच खिलाड़ी है, लीजर कपल क्या ऐसा रहेगा, किचन में भी एक लगा स्पॉट किया था, दूसरा नॉक करा, बट तीसरा खिलाड़ी जो आएगा, बट उनको रोकने का काम है एस पावर का, उनके रोकने का काम है जोनाथन का, निकलता है यहाँ पर ओपनिंग या नहीं रहेगी देखने वाली चीज है। डैमेज अच्छा खासा दे दिया पावर यहाँ पर, मुझे गाड़ी के पीछे वो रिवाइवल दे रहे हैं एंड बट एक्चुअल में तो पीछे आ चुके हैं, और अभी के लिए बस उनको उम्मीद है कि कोई थर्ड पार्टी कर दे, और वो चीज शायद मुझे लग रहा है कि होते भी नजर आ सकते कुछ देर में। एंड ये देखिए पॉज यहाँ पर जो आया और ये फाइनली कंफर्मेशन आता हुआ, और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था, वो सोच रहे थे कि उनके उनको फायदा पहुंचाए, बट उनको फिनिश ऑफ करते नजर आए वहाँ पर थर्ड पार्टी। अब कहीं ना कहीं ये जो ग्रेनेड जा रहा है ना, ये ऑन पॉइंट जाएगा तो इनसेन क्लॉक के लिए बहुत दिक्कत होगी। आई थिंक ऑन पॉइंट गया है, सामने पड़ेगा 3-1 बूम, बट ये डैमेज इनको नहीं लगा किसी तरीके, नियो पास जरूर से गया है। वो करना चाहे हमारी जो तीसरी लाइनअप है, तो इनसेन के प्लेयर्स अभी रिवाइवल दे रहे हैं, कन्वर्जन अब आना चाहिए था, एलक्राफ्ट की टीम एलिमिनेट हो चुकी है, 2v2 की फाइट है, ये एक डिसाइडर थ्रोएबल हो सकता है, स्पॉट कर लिया है बाजी को, यहाँ पर स्पॉट कर लिया गया है। इनसेन के गोब्लिन की आप हेल्थ देखें तो वो बहुत ज्यादा कम है, निकालना चाहिए था यहाँ पर एक नॉक, लास्ट मैन स्टैंडिंग, बहुत बार 1v2 करते हैं हम इनसेन के प्लेयर्स को देख चुके हैं, ये हाथ से चिकन डिनर निकाल के चले जाते हैं, बट इस बार नहीं, इस बार ये चिकन जो है वो UP50 के खाते में ही जाएगा। टीम इनसेन बहुत ही शानदार, बेशक चिकन डिनर नहीं आ पाया, लेकिन स्टिल वो जो डोमिनेशन रहता है फिनिशेस में, वो डोमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से। माया भी